Hello friends, this is Trupti and I welcome all of you on my beautiful channel NPC where you can learn all the concepts related to physics and आज का lecture आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम class 12th का chapter 4 moving charge and magnetism start करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है, ठीक है, उसकी डेट शीट रिलीज हो गई है 10th ऑफ दिसंबर, वो आपका फिजिक्स का पेपर, ठीक है। उसके पहले हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएं एंड प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एंड यस, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, देन आप क्लिक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, लिंक पर जाइए। लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे एंड वहां से आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड किसी भी टाइप का क्वेरी हो, किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आए, डाउट आए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ओके। जैसा कि हमने देखा होगा आपने कि ऑर्स्टेड ने, एक फिजिसिस्ट है ऑर्स्टेड, ठीक है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या किया कि मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन होता है वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया, ठीक है। उन्होंने एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक वायर लिया, उसमें करंट प्रोड्यूस करवाई, ठीक है, करंट आई प्रोड्यूस करवाई, और इस वायर के पास में, इस करंट कैरिंग वायर के पास में उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया गया कि इस मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। एंड अगर आप इस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट करते हैं, ठीक है, करंट की डायरेक्शन को इस तरह से अपोजिट कर देंगे, देन मैग्नेटिक कंपास की नीडल भी 180 डिग्री डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, बट इस मैग्नेटिज्म का, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो वो सब हमें आगे के साइंटिस्ट, ठीक है, आगे के साइंटिस्ट बायो सावर्ट, क्या नाम है साइंटिस्ट का, बायो सावर्ट, उन्होंने एक लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या नेम है, बायो सावर्ट लॉ, ठीक है, यहाँ पर टी साइलेंट है, बायो सावर्ट लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ठीक है, फाइनाइट लेंथ का, सपोज आपने एक्स वाई लेंथ का एक वायर लिया। अब इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया इस वायर से, टोटल वायर की लेंथ अगर आप एल कंसिडर करें, तो हम इस वायर, टोटल वायर की लेंथ को ना लेते हुए इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट की लेंथ को डी एल कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब इस एलिमेंट से आर जितने डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। मीन्स एट पॉइंट पी विच इज फार फ्रॉम द डी एल एलिमेंट आर, we have to find the magnetic field, okay, and magnetic field किस direction में होगी, तो magnetic field की direction को हम right hand thumb rule के according दे सकते हैं। right hand thumb rule कैसे यहाँ पर apply होगा, तो सबसे पहले आपका right hand लेंगे, ठीक है, right hand के thumb को current की direction में रखेंगे, ठीक है, ये current है, means current की direction इस way में है, तो आपका thumb भी इस direction में। अब देखिए fingers को, अपनी fingers को आपने curl किया, तो curl करते हुए fingers जो है वो inward जा रही है, कहाँ जा रही है, inward, तो यहाँ पर magnetic field की direction होगी inward, और inward direction के लिए cross से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। एंड आउटवर्ड हो, अगर यहाँ पर कहीं पर पॉइंट हो, तो क्या होगी, आपने थंब को इस पॉइंट पर इंडिकेट किया है एंड कर्ल्स, फिंगर्स कर्ल्स आउटवर्ड हो रहे हैं, तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको ओनली डॉट लेना है, ठीक है, इनवर्ड के लिए क्रॉस एंड आउटवर्ड के लिए डॉट। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब क्या किया, बायो सावर्ट ने किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ये होती है db, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगी, ठीक है, इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी छोटी होगी, ठीक है, तो हम उसे db कंसीडर करते हैं, ओके। सो db का जो वेक्टर फॉर्म है, जो वेक्टर फॉर्म है वो इस तरह से दिया जाता है, db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो डी एल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट डी एल एंड आर जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी रह सकते हैं एंड किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि डी एल एंड आर के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा होगा, ओके, और हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डी बी होगी वो परपेंडिकुलर होगी डी एल के एंड परपेंडिकुलर होगी आर के, ठीक है। मीन्स डी एल एंड आर ये जो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ओके। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4 पाई, अगर इसे स्केलर फॉर्म में हम लिखें तो स्केलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आई डी एल क्रॉस आर, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सिंपली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन थीटा यूज करना होगा, ठीक है, सो डी एल इंटू आर साइन थीटा हो गया, ओके। एंड यहाँ पर डायरेक्शन भी इंक्लूड होगी, तो डायरेक्शन हमने राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको बता दिए, आर क्यूब, आर से आर कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ पर आपका म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। सो दिस इज द मेन इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, दिस इज मेन इक्वेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट पी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आई की वैल्यू गिवन है, डीएल एलिमेंट की लेंथ गिवन है एंड थीटा आर और डीएल एलिमेंट के बीच का एंगल गिवन है, तो आप वैल्यूज पुट आउट करके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए तो मैंने अभी आपको बोला आपको क्या यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन के लिए, और डायरेक्शन कैसी है, इनवर्ड है, ठीक है। पॉइंट बी पर डायरेक्शन इनवर्ड है, ओके। और इनवर्ड डायरेक्शन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड ये जो टर्म है, एक्चुअली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक पॉइंट वाइज अगर दें तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक एलिमेंट के, ठीक है। ये जो लेंथ एलिमेंट ले रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है। डिस्टेंस के जो पॉइंट और एलिमेंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से सेपरेट कर दें, अगर आप एलिमेंट्स को सभी एलिमेंट्स को सेपरेट कर दें और कंक्लूड करें, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन यही आएगा, ओके। अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है म्यू नॉट बाई फोर पाई, दिस इज द कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। वेर म्यू नॉट को बोलते हैं परमियबिलिटी। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ म्यू नॉट इज द परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। ये जो हम सारी प्रोसेस कर रहे हैं ये फ्री स्पेस में, वैक्यूम में या एयर में कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ म्यू नॉट लिया। उसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है 10^-7। तो कोई भी अगर आप क्वेश्चन करें, कोई भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो म्यू नॉट बाई फोर पाई को एज इट इज रहने थे, क्योंकि इसकी डायरेक्टली आपको वैल्यू पता है 10^-7, तो इसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यहाँ से यूनिट भी डीबी जो है इसका यूनिट पहले आप डिसाइड कर ले। तो इसका जो यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड डीबी का, ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला, ठीक है। ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला। तो यहाँ से म्यू नॉट बाई फोर पाई का यूनिट हो जाएगा टेस्ला, को टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है टेस्ला। एंड ये लेंथ के लिए ओनली आर, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो टेस्ला मीटर बाई आई मीन्स करंट, करंट के लिए एम्पियर। तो इस तरह से इसकी यूनिट आप दे सकते हैं। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ बायो सावर्ट लॉ। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कस करते हैं कि बायो सावर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। कुछ पॉइंट्स उसके सिमिलर हैं, कुछ पॉइंट्स सिमिलर नहीं है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है बायो सावर्ट लॉ एंड कूलम लॉ, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया कि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के, ठीक है। वहां पर भी हमने टू चार्जेस लिए थे, उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट, ठीक है, एट दैट पॉइंट व्हेन एवर वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एलिमेंट, ओके। सो इन्वर्सली, बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ओके। एंड सेकेंड टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, ठीक है। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका प्रोड्यूस किससे होता है, चार्जेस से, किससे होता है, चार्जेस से, और चार्जेस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ओके। बट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो प्रोड्यूस होता है किससे, आई इंटू डी एल कंपोनेंट, और ये जो है दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। थर्ड पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड कूलम्ब लॉ, इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि कूलम्ब्स लॉ में जो टू चार्जेस लेते हैं वो अलोंग द जॉइंट ऑफ एक्सिस होते हैं, ठीक है। मीन्स आपने टू चार्जेस लिए Q1 एंड Q2, तो जो डिस्टेंस है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग होगा। बट यहाँ पर जो डिस्टेंस है R और DL का वो क्या होगा, परपेंडिकुलर, दोनों जो हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। मीन्स अगर आप इस तरह से लें, ठीक है, ये एक प्लेन है, अब यहाँ पर R एंड DL कंपोनेंट ये किसी भी एंगल पर हो सकते हैं, जैसे ये R है आपका और ये DL कंपोनेंट है, ये किसी भी एंगल पर हो सकते हैं। बट जो DB है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि वो डीएल के भी परपेंडिकुलर होगा एंड आर के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। डीबी जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और वहां पर जो फोर्स होता है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्सिस होता है, ठीक है, यहां पर। सो अलोंग द लाइन जॉइनिंग एक्सिस, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, परपेंडिकुलर, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैग्नेटिक फील्ड में थीटा जो एंगल है, एंगल पर डिपेंड करता है, डीबी जो है वो डिपेंड करता है थीटा पर, एंगल पर। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्स है, कूलम्ब फोर्स है, वो डिपेंड नहीं करता है एंगल पर, ठीक है। सो इन दिस वे हम कनेक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड कूलम्ब्स लॉ, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट केस हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप कहे या सर्कुलर रिंग कहे या सर्कल कहे, ठीक है, सभी एक ही है। सर्कुलर लूप हमने लिया इस तरह से, और इस सर्कुलर लूप के एक्सिस, इस सेंटर को हमने एक्सिस कंसीडर कर लिया, ठीक है। ओ जो एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया है, और इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। अब जो सर्कुलर लूप लिया है उसका रेडियस कैपिटल आर हमने सपोज किया, एंड इस सर्कुलर लूप में करंट के फ्लो की डायरेक्शन इस तरह से क्लॉकवाइज दी गई है, ठीक है, आई।
इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आप डायरेक्शन सपोज कर ले कर सकते हैं. ओके चलिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया डी एल. जैसे हम बायो सावर्ट लॉ में स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पर, सेम एज इट इज यहाँ पर भी हमने सर्कुलर लूप में सर्कुलर रिंग में एक स्मॉल एलिमेंट डी एल कंसिडर किया है जो कि पॉइंट पी से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है. क्लियर है? ओके, अब ये बात आती है कि जो डी एल एंड आर के बीच का एंगल है वो क्या होगा. तो यहाँ पर डायरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर इस लॉ के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट के अलॉन्ग क्या होगा, आपके फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो इस तरह से हमने करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को हमारी कर्ल किया और हमारा जो थंब है वो पॉइंट करता है इनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज डी एल की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड. क्लियर? इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ. ठीक है, तो ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इससे इनवर्ड डायरेक्शन में डी एल की डायरेक्शन होगी. ओके, और ये जो आपका है ये एक्सिस के अलोंग रिंग है और रिंग के सेंटर से, ठीक है, या एक्सिस से इसके अलोंग आर या सॉरी एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है. ठीक है, तो रिंग के सरफेस जो है आपका, रिंग के हर एक एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर वो तो इक्वल ही होगा, मीन्स वो तो सेम ही होगा. ठीक है, यहाँ अगर डी एल एलिमेंट कट किया तो यहाँ से पी का डिस्टेंस स्मॉल आर होगा. आप इस पॉइंट पर कंसिडर कर लें डी एल एलिमेंट तो इस पॉइंट से भी डिस्टेंस आर होगा. सो सर्कुलर लूप के किसी भी पॉइंट को लें आप, डिस्टेंस है पॉइंट पी से उस सर्कुलर एलिमेंट की डिस्टेंस है वो सेम होगी, आर होगी. ओके, अब होता यह है कि जो डी एल एलिमेंट है वो तो इनवर्ड है बट जो आर है डिस्टेंस है वो इस तरह से पॉइंट यहाँ पर है आपका, तो आर इस तरह से होगा और आर एंड डी एल के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है, बता दिया, मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं. ठीक है, सो डी एल एंड आर के बीच का एंगल थीटा वो होगा 90 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डीबी, ठीक है, डीबी मीन्स इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड आई डी एल क्रॉस आर, ओके, अपॉन आर क्यूब. ये हुआ आपका वेक्टर फॉर्म. अगर स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करें सो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल आर साइन 90. ओके, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. ओके, सो यहाँ पर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा. ये नहीं होगा, एक मिनट अभी रुकना है. अभी सिंपली हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है. अब देखिए सर्कल के थ्रू, ये जो सर्कल है उसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट वर्क करेंगे. क्या हुआ कि डी एल और आर इस तरह से है और हमने फाइंड किया है, हमने देखा है कि डी एल क्रॉस आर ये दोनों कॉम्पोनेंट जो होते हैं वो डी बी के परपेंडिकुलर होंगे. मीन्स यानी कि डी बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल एंड डी बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू आर. तो डी बी की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर अगर डी एल की डायरेक्शन इस तरह से है, आर की डायरेक्शन ये है, सो डी बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर. ठीक है, मीन्स इस तरह से परपेंडिकुलर दी जाएगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं इस तरह से, ये जो एक्सिस है मीन्स ये जो करंट है इसके अलावा आपने देखा तो इनवर्ड जा रहा है और इस तरह से इस डायरेक्शन की तरफ आए तो आउटवर्ड होगी, मीन्स डीपी की डायरेक्शन आपको इस तरह से गिवन होगी. ओके, अब देखो यहाँ पर एंगल थीटा है. ओके, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा होगा. अब इन दोनों के बीच में आर एंड डीबी, मैंने अभी बोला परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 डिग्री होगा यहाँ पे. ओके, अब डीबी का जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा ये क्या होगा, ये थीटा. ठीक है, इसका जो एंगल होगा वो थीटा होगा और थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होता है वो डीबी कॉस थीटा एंड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है दिस इज साइन थीटा, मींस डीबी साइन थीटा होगा. ओके, ये क्लियर है? यहां पर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल और इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री एंगल होगा. ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा दिट इज 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा होगा ओनली. ओके, थीटा की तरफ कंपोनेंट कॉस थीटा होता है एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन थीटा होगा. ये इस एलिमेंट के थ्रू है बट इस सर्कुलर लूप में हम छोटे 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 एलिमेंट करें, ठीक है, कंसीडर करें, तो अगर यहाँ पर एक अगेन दूसरा कंपोनेंट दूसरा एलिमेंट डी एल कंसीडर करें तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, और उसके थ्रू भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें तो वो इस डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको टू कंपोनेंट्स मिलेंगे, डी बी कॉस थीटा एंड डी बी साइन थीटा. क्लियर है? अब देखिए डीबी कॉस थीटा एंड डीबी कॉस थीटा ये क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट कंपोनेंट एंड इक्वल कंपोनेंट है, इसीलिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, डायरेक्शन देख सकते हैं आप दोनों के ऑपोजिट है एंड
मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है इसलिए इक्वल एंड ऑपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेंगे डीबी साइन थीटा कॉम्पोनेंट। ओके, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि हम डीबी साइन थीटा लें या टू डीबी साइन थीटा लें, तो आपको अगर टू डीबी साइन थीटा लेते हैं तो आप जब इस सर्कुलर लूप के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें देन आपको हाफ लेना होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में जो लिमिट होगी वो हाफ लेना होगा। बट अगर आप ओनली डीबी साइन थीटा लेते हैं तो आप इस सर्कल की लेंथ को फुल कंसिडर करना होगा। ओके, मीन्स अगर इस सर्कल का लेंथ है, लेंथ मीन्स सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस टोटल पाई आर, टू पाई आर कंसिडर करना होगा, और अगर आप टू डी बी साइन थीटा लेते हैं तो ओनली पाई आर कंसिडर करना होगा। ओके, चलिए, तो आपके पास जो डी बी है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली होगी डी बी साइन थीटा। ओके, चलिए, यहाँ पर डी बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ओके, एंड साइन थीटा, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल थीटा है तो थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है, सो कैपिटल आर बाई आर, सो दिस इज गोइंग टू बी म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल इंटू आर एंड आर क्यूब। अब स्मॉल आर को आप एज अ आर, कैपिटल आर एंड एक्स में किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, पाइथागोरस थियरम के अकॉर्डिंग म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल इंटू आर, ठीक है, आर को आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थियरम के अकॉर्डिंग, सो हियर आर इज द आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड आर क्यूब हो जाएगा 3/2, ठीक है, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वन एलिमेंट डी एल एलिमेंट। बट टोटल सर्कुलर लूप के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या करें, इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है, सो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा बी इज इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल अपॉन आर, हियर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ देखिए म्यू नॉट बाई फोर पाई ये तो कांस्टेंट टर्म है, आई करंट भी इस पूरे सर्कुलर लूप में कांस्टेंट है एंड आर रेडियस भी हर जगह कांस्टेंट है, सेम है, सो आर। ओके, हियर एक्स आर, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ही, एक्स जो है डिस्टेंस, अब किसी भी एलिमेंट के लिए अब डिस्टेंस सेंटर से या एक्सिस से डिस्टेंस तो पी की सेम ही होगी, सो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म भी कांस्टेंट हो जाएगा, सो टोटल आपका यहाँ पर डी एल होगा, डी एल मीन्स लेंथ, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, टू पाई आर सर्कल का सर्कमफेरेंस। ओके, सो आई इंटू आर 2πr हुआ एंड हियर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, हियर 4π से 2π कैंसिल हुआ, सो म्यू नॉट बाई 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट पॉइंट P, ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप रिंग सर्कुलर लूप के थ्रू पॉइंट पी पर किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड इसी में एक केस हम देखते हैं जब हम सेंटर पर फाइंड आउट करें, ठीक है, मीन्स एट सेंटर, सेंटर पर फाइंड आउट करें तो ये एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, एक्स के प्लेस में यहाँ जीरो पुट करेंगे, सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू, यहाँ हो जाएगा आई आर स्क्वायर एंड आई आर की पावर 3, ठीक है, सो आर स्क्वायर आर की पावर 3 मीन्स आर क्यूब कैंसिल आउट, सो वी हैव बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, मैग्नेटिक, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। ओके, तो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये छोटा सा डेरिवेशन था, यहाँ पर आप, यहाँ हम वीडियो का एंड करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एम्पियर सर्किट लूप पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।